आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स आपको इनमें से किसको रेफर किया जाता है, ये आपको बताना है। सो अभी देखो, मैं अल्फा हेलिक्स की बात करती हूँ। सो अल्फा हेलिक्स जो होता है ये आपका देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसको कहा जाता है। क्लियर है? एंडिफाइट ऑफ और देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करती हूँ। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली आपका क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स, if I talk about its explanation, so it involves alpha helical, ये आपका क्या alpha helical backbone consist करता है and आपका beta sheet structure, right? ये आपका alpha helical backbone and beta sheet structure को ये basically आपका क्या है, आपका ये involve करता है, मतलब इसमें present होते हैं, right? और ये जो structures होते हैं ये आपके held होते हैं by hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके किसके टेक में प्लेस करती है, एक कार्बोनिल ओ ऑफ वन अमीनो एसिड एंड योर अमीनो एच ऑफ अनदर अमीनो एसिड, उनके बीच में क्या है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि अल्फा हेलिक्स जो है ये रेफर करते हैं टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज ऑप्शन टू करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।